हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक्टिविटी का दिन है। लगभग काफी सारी एक्टिविटीज आप हम क्लास में करेंगे। एक तो आपको ये बैच है KG 3, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और KG 4। सभी बच्चों के लिए कौन सा थर्ड KG 3, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और KG 4, सब पांच ग्रुप है उनके लिए। सबसे पहले स्पीड राइटिंग करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 फॉर 1 मिनट। उसके बाद आप फ्लैश कार्ड कार्ड करेंगे, 25 फ्लैश कार्ड होंगे जिसमें डबल और ट्रिपल डिजिट मिक्स होंगे। मैं आपको शो करूंगा यहाँ पे, कार्ड आपको देख के अपनी रफ नोटबुक पे मेंशन करना है। फिर होंगे टेबल राइटिंग, तो आपको 2 to 9 टेबल्स लिखने हैं। 1 मिनट 45 सेकंड का टाइम है, मैक्सिमम लिखना है। अगर 1 मिनट 45 सेकंड से पहले पूरा हो रहा है, क्योंकि इसमें फोर्थ लेवल तक के भी बच्चे, KG 4 के भी बच्चे, तो ऐसे बच्चे जो 1 मिनट में लिख लेते हैं तो वो दोबारा से शुरू करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। रैंडम नंबर्स आपको करना है, सिंगल डिजिट 6 रो। जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको पूछने वाला हूँ कॉल करके कि 7 8 5 6 3 2 8 9, जैसे 30 नंबर में आपको पूछूंगा, वो आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। फिर जब मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट 40 रो की करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते होता है। तो सब और ये सब क्लियर करने के बाद मैं आपको बोल के बताऊंगा कि आपको आज कौन सा पेज करना है। लाइक KG 3 वाले बच्चों को ये वाला पेज नंबर, इतने वाले सम करने, तो आपको अच्छे से सुन के अपना अपना नोट कर लीजिएगा कि मुझे क्या काम करना है, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। सो रेडी फॉर एक्टिविटीज। सबसे पहले स्पीड राइटिंग बुक में स्पीड राइटिंग के लिए तैयारी कीजिए। फर्स्ट लाइन मेंशन कीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए फर्स्ट लाइन को। नाउ रेडी फॉर स्पीड राइटिंग, रेडी स्टार्ट। Twenty seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Okay, speed rating का result mention कर लीजिए। Now turn for flash cards. Ready for flash cards? Yes. Here we go. Start. Next. 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 अगर कार्ड मिस होता है तो डैश जरूर लगाइएगा। Next. 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 Next, 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 next. Next, 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 and last. Okay, सब cards. चलो tally करेंगे last to first. Okay, first is 661, 55, 946, 60, 96, 79, 904, 71, 15, 91. 56, 975, 63, 78, 65, 52, 89, 58, 507, 725, 70, 507, 60, 91, 670. फ्लैश कार्ड्स के बाद में आपको करना है टेबल। रेडी फॉर 229 टेबल।
1 मिनट 45 सेकंड, जिनका पहले हो जाए दोबारा से करना है, इसको भी एज स्पीड राइटिंग ही करना है कि 1 मिनट 45 सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल लिखने हैं, 2 से लेकर 9 तक लिख दिया, टाइम बचा तो दोबारा शुरू किया, 8 तक पहुंच गए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। रेडी स्टार्ट। ओके 1 मिनट लेफ्ट, हरी अप। One minute 30 seconds, 15 seconds left, are you? Okay, and stop. Mention कीजिए कितना आपने लिखा है. And next exercise is random number, single digit, 6 rows. रैंडम नंबर मतलब मैं सिंगल डिजिट के 6 रो का एक कॉल करने वाला हूं, लाइक मैं कॉल करूंगा, मान लीजिए मैंने कॉल किया 8287351, ठीक है, आप क्या करोगे, अपनी बुक के ऊपर पेंसिल रख लो और बैठ जाओ, सुनो 8287351 ऐसा मैंने बोला, आपने सुन लिया, आप उसे याद रखेंगे, ऐसे रिपीट नहीं करेंगे 8273518275, नहीं ऐसे नहीं, आराम से जस्ट एक बार सुनो, बिल्कुल ब्लैंक रखो दिमाग को, अपने आप को याद रहेगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर कुछ सेकंड के बाद में बोलूंगा राइट, तो आप लिखोगे 8273251, ठीक है। अब ऐसे मैं आपको 10 सम करवाने वाला हूं, ये एक सम है, अगर इसमें आपने सारे के सारे डिजिट सही लिखे हैं तो आपको एक 1 मार्क मिलने वाला है, अगर आपने इस 2 की जगह 3 कर दिया मान लीजिए तो ये आपका पूरा ही गलत हो जाएगा 0, बाकी 5 सही लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, एक्यूरेसी 100% आनी चाहिए। रेडी शुरू करें, ओके देन जस्ट अ मिनट, ओके 837426, अभी नहीं लिखना, राइट, ओके नेक्स्ट 711137, राइट, नेक्स्ट 956276, राइट, नेक्स्ट 522548, राइट, मेरे राइट बोलने में पेंसिल उठाना है, लिख देना पेंसिल वापस रख देनी, नेक्स्ट 536526, राइट, चलिए थोड़ा सा टफ करता है, अभी तक मैं रिदम में बोल रहा था इसलिए आपको याद रह रहा था, बिल्कुल भी रिदम नहीं बोल रही, 931849, राइट, नेक्स्ट 649745, मेरे साथ साथ नहीं लिखना, बाद में लिखना है, राइट, नेक्स्ट 842519, राइट, नेक्स्ट 524318, राइट, नेक्स्ट 625446, राइट, ओके 10, अब टेली करो, फर्स्ट इज
837426, सेकंड 711137, फिर 956276, फोर्थ इज 522548, फिफ्थ 536526, सिक्स्थ नंबर 931849, सेवेंथ नंबर 649475, एट्थ नंबर 842519, नाइन्थ नंबर 524318, एंड टेंथ नंबर 625446. मेंशन कीजिए आप इसमें से कितने राइट है, कितने रॉन्ग है, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो मेंशन कर लीजिए. फिर अपन करेंगे मल्टीप्लिकेशंस. सो रेडी फॉर मल्टीप्लिकेशंस. थर्टी नोज रेडी. मैं बोलूंगा और आपको फटाफट से लिखते रहना है. क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आंसर आंसर लिखना है. ओके, फोर थ्री जा, नाइन टू जा, फाइव जीरो जा, वन एट जा, सिक्स सेवन जा, टू सिक्स जा, सेवन वन जा, थ्री नाइन जा, एट फाइव जा, फोर जीरो जा, सिक्स फोर जा, सेवन जीरो जा, थ्री थ्री जा, वन सेवन जा, एट नाइन जा, नाइन टू जा, टू जीरो जा, फोर फाइव जा, सिक्स वन जा, फाइव एट जा, सेवन फाइव जा, फाइव फोर जा, सेवन वन जा, टू जीरो जा, फोर टू जा, वन सिक्स जा, एट थ्री जा, थ्री नाइन जा, सिक्स जीरो जा, नाइन एट जा. अगर आपको लगता है आपने बहुत अच्छे से किया है, सही हुआ है, तो फिर आप टैली कर लीजिए, वरना आप वीडियो पीछे करके इसको दो बारी तीन बारी प्रैक्टिस कीजिए इसकी. जब आप सर्टिफिकेशन होगी नहीं, अब की बार अच्छे मार्क्स आने को है, मैंने सब अच्छा से किया है, तब आप इसको आंसर के साथ टैली कर लीजिएगा. मैं आंसर्स टैली करवा रहा हूँ. फर्स्ट इज 12, देन 18, 0, 8, 42, 12, 7, 27, 40, 0, 24, 0, 9, 7, 72, 18, 0, 20, 6, 40, 35, 20, 7, 0, 8, 6, 24, 27, 0, 72. Okay? Now next exercise is jumbled dictation single digit 40 row. जंबल डिक्टेशन का मतलब है कि मैं स्पीडली जो नंबर बोलूं, जो भी नंबर, आपको बस उसको कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, तुरंत स्पीड से लिखते जाओ जो भी मैं बोल रहा हूं. ठीक है, बीच में मिस हो गया तो याद करने बैठोगे तो आगे के पांच नंबर मिस होंगे श्योरली. इसलिए एक मिस हो गया फटाफट से सोचो और डैश लगाओ, आगे बढ़ो, स्पीड से करना है. ओके, लाइक मैं ऐसे बोलूंगा 7 1 7 2 4 5 5 8 3 7 4 6 9 7, और आपको फटाफट कॉपी करना है इसे एज इट इज. रेडी, पेंसिल शार्प करके एकदम रेडी होकर बैठ जाना, अदरवाइज फिर पीछे रह गए, एक बार तो पीछे रह गए. चलिए शुरू करें. 40 नोज है. ओके स्टार्ट. 8 3 7 4 2 6 3 8 4 8 6 5 5 9 6, 6 7 5 4 7 7 1 1 1 3 7 5 4 2 6 7 2 7 3 2 6 2 1 4 4. अच्छा 40 डिजिट हो गए. अब एक ही और चीज सुनो, सही करने में और सही नहीं होने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क है. थोड़ा सा अच्छे से अगर एफर्ट करोगे ना, कॉन्फिडेंस लगेगी, मैं कर लूंगा, मैं अच्छे से कोशिश करता हूँ, तो श्योरली आपके सही हो जाएंगे. अगर थोड़ा ये मैं तो पीछे लग जाता हूँ तो फिर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रैक्टिस किया कीजिए. चलिए अब
अगर फिर वो नहीं हुआ तो वीडियो रिवाइज करिए, दोबारा से देखिए, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको लगे कि अब सही है, मैंने अच्छे से किया, तो चेक कर लीजिएगा। चलिए टैली करेंगे, इट्स 8 3 7 4 2 6 3 8 4 8 6 5 5 9 6 6 7 5 4 7 7 1 1 1 3 7 5 4 2 6 7 2 7 3 2 6 2 1 4 4। अगर आपने उसको डैश वगैरह नहीं लगाए तो आपकी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। सीक्वेंस अगर एक बार बिगड़ गई तो फिर आपको आंसर पकड़ में नहीं आएगी कहाँ है। तो अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो छोड़ दो उसे, दोबारा रिवाइज करो, दोबारा से करो प्रैक्टिस, ठीक है। दो बार करो, तीन बार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से स्पीड से करोगे तो सारे के डिजिट अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। जहाँ डैश की जरूरत है आप भूलो तो वहाँ डैश जरूर लगाइएगा। जब आप रिजल्ट मेंशन करो तो एक्टिविटी में ऐसे रिजल्ट मेंशन करना है कि जैसे 40 थी तो अटेम्प्ट 39, 40 मान लीजिए एक तो आप भूल ही गए तो अटेम्प्ट 39 एंड राइट, अगर मान लीजिए 39 में से एक गलत हो गया तो राइट 38, तो कितने अटेम्प्ट किए उसमें से कितने सही हुए, ये दोनों आपको मेंशन करना है रिजल्ट, ठीक है। चलिए बाय बाय।